पता नहीं यार इन लड़कों को भी कौन सी बीमारी लगी है, इतना पैसा खर्च। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, आज हमारी यूट्यूब फैमिली में आने जा रहा है एक और आईफोन। अभी हम लोग जो है उसी को लेने जा रहे हैं पूरी बारात बन के, देख सकते हो। मैं ड्राइव कर रहा हूँ गाइस, और देख सकते हो जान हथेली पे लेके जा रहे हैं आज। सबका दिल गाड़ी चला ये रहा है, लेकिन दिल सबका धक-धक कर रहा है। सब अपनी अपनी जिम्मेदारी पे बैठे हैं, बस क्योंकि चला मैं रहा हूँ। भैया आगे देख के चलाया। सो आज जो है हम लोग जितने भी तैयारियां जो भी काम करना है वो आज कर लेंगे, क्योंकि कल निकलने वाले हम भारत भ्रमण के लिए। तो हमारी जो यात्रा होगी बहुत ही अमेजिंग होगी, और आज कुछ काम है, कुछ गाड़ी के कागज वगैरह की है जो बनवा लेंगे। हालांकि गाड़ी कागज पूरे तैयार हैं, कुछ एक पॉल्यूशन सर्टिफिकेट वगैरह क्या रहता है, और एक आईफोन आ रहा है आज तो उसका वेलकम करने जा रहे हैं। देखते हैं अभी भाई साहब सही सलामत पहुंचा दें तो मुकाम पे। सही बात, रुकूंगा नहीं। एक चीज और बता दें आपको कि आज हम जो गाड़ी में बैठे हैं उतने ही लोग बैठे हैं गाड़ी में जितने लोग 12 ज्योतिर्लिंग के लिए जाने वाले हैं, यानी भारत भ्रमण के लिए। तो एक साथ 25 या 30 दिनों तक, मतलब जितनी भी यात्रा रहेगी वो साथ में रहेगी। सबसे अमेजिंग बात ये होगी कि भैया हम एक महीने तक पूरे साथ रहने वाले हैं, और एक महीने तक हमारी फैमिली है ये पूरी। क्यों रे, एक्साइटेड हो गए? नहीं, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। मैं तो 4 दिन पहले देते हो सोयो नहीं। तो भाई एक महीना हम बता लग रहने वाले, तो यही हमारी कहीं के बाइक और यही हमारे लड़का यही रहेगा। तो अच्छा एक सुनो एक बात इनको बता देते हैं कि हम जब प्लान बना रहे थे वहाँ पे जाने के, तो हमने सोचा यार हमारे साथ एक बच्चा होना चाहिए, तो इस वजह से हम इसको लेके आए हैं। मैं बच्चा, क्योंकि अगर इतना लंबा यात्रा रहे उस टाइम मान लो बोरिंग टाइप भी रहे तो मजा आएगा नहीं। इसको साथ रखेंगे तो बढ़िया मनोरंजन रहेगा। तो गाइस देख सकते हो एक हाथी खरीदने जा रहे हैं। इतने सारे पैसों का, इतने सारे पैसों में एक मोबाइल खरीदने जा रहे हैं यार, इतनी बड़ी बात है। एक मोबाइल लेना ओनली बस, और चार्जर इतना भी नहीं दे रहा उसमें, और चार्जर भी नहीं आ रहा यार। इनको देके आएंगे और मात्र एक फोन लेके आएंगे। जमाना देखो, एक गृहस्थी किडनी बेचनी पड़ती है, मान लो गृहस्थी में होगा पाचन की। एक जान ने ले ला, एक भैया ने ले ला। देख सकते हो I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't wait. ये रहे हमारे तरुण भाई जो हमें अक्सर आईफोन डिलीवर करते हैं। अभी हम लोगों ने ये देख सकते हो ये लिया है। पता नहीं यार इन लड़कों को भी कौन सी बीमारी लगी है, इतना पैसा खर्च। देख सकते हो ये खरीदा है हमने, इसका कवर भी लगा लिया है, और ये पीछे वाला है लड़का हमारा। आपने अब करना होगा ये बताओ, ये सब आईफोन धारी हो गए अब। तो गाइस अभी हम लोग आए हैं अपनी गाड़ी का प्रदूषण कार्ड बनवाने के लिए। यहाँ पे बनाया जा रहा है, ये देख सकते हो इतनी छोटी सी गुमटी पे।
अभी आए हैं रेडियम का कुछ काम करवाने, जो कि हमारे चैनल का लोगो बनेगा हमारी गाड़ी पर। तो अभी देखते हैं, हमारे दीपक भाई काम में लगे हुए हैं। गाइज अभी मैं घर पे आ चुका हूँ और अभी मुझे करनी है कुछ तैयारियाँ, जो कि कल हमको निकलना है 12 ज्योतिर्लिंग के लिए। तो ऐसे में जो भी ज़रूरी सामान है वो साथ में लेके जाना पड़ेगा, रिकॉर्डिंग के लिए कैमरा वगैरह, कार्ड, मेमोरी कार्ड और साथ में कुछ जो ज़रूरी दैनिक क्रिया की जो सामान होते हैं वो भी रखना पड़ेगा। और बाकी के देखते हैं कुछ चीज़ें ध्यान रहती हैं या नहीं, बाकी तो है रास्ते में से ले लेंगे अगर कुछ भूलते हैं तो। सो अभी मैं कर लेता हूँ इस वीडियो को एडिट और मैं मिलता हूँ कल निकलेंगे हम 12 ज्योतिर्लिंग के लिए। तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होगा गाइस, क्योंकि ये भारत में वैसे तो बहुत सारे लोगों ने ये कर रखा होगा 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा, लेकिन यूट्यूबर जो है वो मुश्किल से मुझे नहीं लगता किसी ने किया है ऐसा कि एक साथ में 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर पाए होंगे। तो ऐसा हम करने जा रहे हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारी जो यात्रा है वो पूरी तरह से सुखद और मंगलमय हो। अभी फिलहाल मैं वीडियो को एड करता हूँ और मिलता हूँ आपसे कल।